बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की आने वाली जॉब्स के हवाले से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीपीएससी में साल 2023 की एसएस यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जॉब्स आने वाली हैं, तो उन जॉब्स के हवाले से जो सिलेबस है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एसएस का सिलेबस क्या होगा और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है और एज लिमिट क्या होगी और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम तरह डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के हवाले से कि एसएस यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट में सबसे पहले ये है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है पीपीएससी का और एमसीक्यूज में 100 जो एमसीक्यूज आएंगे और 90 मिनट्स ड्यूरेशन का ये टेस्ट होगा। तो एमसीक्यूज कहाँ से लिए जाएंगे, किस सब्जेक्ट के आएंगे, तो जो जो सब्जेक्ट होगा, अगर इस्लामियात में मास्टर्स किया हुआ है तो इस्लामियात के एमसीक्यूज होंगे, अगर उर्दू का है तो उर्दू के होंगे। तो रेलिवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एमसीक्यूज आप कैंडिडेट्स को आएंगे। और इसके अलावा जो कंप्रीहेंशन ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब इसमें चूँकि बी एड लाजमी होगा तो बी एड कोर्स, उसमें से भी एम सी क्यूज आएंगे। और इसके अलावा पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग से रिलेटेड जो एम सी क्यूज आते हैं, जो पास्ट जो पेपर आ चुके हैं उनमें ये एक्सपीरियंस रहा है, मोर देन 60% जो है ये सिलेबस के होते हैं, रेलिवेंट सब्जेक्ट के एम सी क्यूज होते हैं और रिमेनिंग जो है 30-40% जो एम सी क्यूज होते हैं ये बी एड या टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है जी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है, तालीमी काबिलियत जो है वो क्या होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर डिग्री, मिनिमम मास्टर डिग्री आर्ट्स और साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है, सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एमएड या एमए एजुकेशन हो या बीएड सेकंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इन तीनों में से कोई एक क्वालिफ़िकेशन मस्ट होनी चाहिए। इसके बाद जो है एज लिमिट, एज लिमिट जो है इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए 35 इयर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स है और 38 इयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। इसके बाद जो 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 मजामीन है, किन किन मजामीन में जो सीट्स आती हैं एसएस की, नॉर्मली चूंकि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है और एसएस नॉर्मली जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे इनकी तैनाती होती है, तो स्कूल लेवल के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जो स्कूल लेवल इंटर तक पढ़ाए जाते हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स की ये सीट्स जो हैं ये अनाउंस होती हैं। जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं वो जहाँ पे बता देते हैं आपको, अरेबिक में आती हैं, बायो में आती हैं, केमिस्ट्री, पोल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू और ज्योग्राफी। ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं, 17 सब्जेक्ट्स बनते हैं जिनमें एसएस या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स आती हैं या फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला इन सब्जेक्ट्स की दोबारा से सीट्स अनाउंस होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से रिक्वायरमेंट। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़, न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।